Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss Nifty. अगर आप देख सकते हो, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट बेसिकली इतने दिन बढ़ाए थे, कंसोलिडेशन कर सकते हैं. तो आज हमने देखा, कल का जो दिन का मोमेंट था वो मोस्टली हमने वही पूरा दिन मोमेंट दिया है. अगर आप देखेंगे, लेट मी करेक्ट इट. या सो बेसिकली द ब्रॉड ट्रेंड इज़ डाउन, माइनर ट्रेंड इज़ डाउन. सो बाजार में ब्रॉड और माइनर बोथ आर डाउन. सो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा सेलिंग आया था और उसका पुल बैक है. बट ये पुल बैक, अगर मान लो ये जो आज का जो हाई है, मोटा मोटी 19,000 आप पकड़ लो 500, ये सॉरी 19,450 से 500 की रेंज, अगर इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट जोन इज 19,700 के आसपास, राइट. अगर मान लो बाजार इसको भी क्रॉस कर देता है तो मार्केट इज रेडी फॉर न्यू ऑल टाइम हाई, राइट. सो बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर दैट ये पुल बैक है. अब एक रिट्रेसमेंट हो या यहाँ पे कहीं पे टाइम स्पेंड कर, उसके बाद ऊपर जाएगा बाजार, तो दैट विल बी अ वेरी हेल्दी साइन, राइट. बिकॉज मार्केट एक पुराने सप्लाई को एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है, दैट विल बी द गुड सिग्नल. दूसरा है, मान लो ये जो कल का लो है उसके नीचे मान लो बाजार जाता है, तो बाजार कैन गोज अराउंड 19,200. मान लो 19,300 के नीचे सस्टेन रहता है तो 19,200 के आसपास बाजार जा सकता है. सो वहाँ पर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है. बट मेक श्योर दैट जो आज का और कल का हाई है उसके ऊपर बाजार सस्टेन रहे तो बाजार 500 के आसपास भी जा सकता है, राइट. तो वी नीड टू सी दैट हाउ मार्केट ऑपरेट्स. सो समवेयर वी आर इनटू द जोन जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है ऑन द लॉन्ग साइड, एंड 300 के नीचे शॉर्ट साइड बनेगा. सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू टेक द ट्रेड्स एंड हाउ टू ऑब्जर्व द ट्रेड्स. सो आई होप यू आर क्लियर दैट मार्केट में जो ब्रॉड ट्रेंड जब से नेगेटिव हुआ है उसके बाद कोई फॉलोअप, मान लो रिवर्स है, फॉलोअप सेलिंग नहीं आ रहा है. सो बेयर्स आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग दैट वी आर विजुअलाइजिंग, जैसे हमें लग रहा है कि बेयर स्ट्रॉन्ग है, बट ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं है. बट अगर आप देखेंगे, 3 दिन गिरने में किया एंड काफ़ी दिन ऊपर जाने में किया, तो बुल्स भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट. सो देर इज़ अ सम 50-50 मैच इज गोइंग ऑन, राइट. सो लेट सी दैट ये रिजोल्यूशन कैसे क्लियर होता है. सेम वे देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी ब्रॉड ट्रेंड और माइनर ट्रेंड बोथ्स आर डाउन. सो जैसे मैंने आपको फ्यू डेज पहले बोला था कि ये जो बाजार में जो पैनिक आया है तो बाजार में एक बाउंस बैक भी आ सकता है, तो बाउंस बैक हम देख रहे हैं लास्ट फ्यू डेज से. सो दैट इज़ अ टू सीनारियोज, राइट, जो अपने सामने. एक है 44,000 के ऊपर स्पॉट है, 44,000 के ऊपर मान लो यहाँ पे कहीं पे सस्टेन रहता है तो मार्केट इज़ रेडिंग फॉर 46,000 एंड 47,000, राइट. सो वी हैव टू ऑब्जर्व दैट हाउ मार्केट क्लोज अबाउ 45,000 मोटा मोटी, या 45,000 के ऊपर कैसे सस्टेन रहता है. अगर रहेगा तो बाजार में एक माइनर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा इसके ऊपर 45,000 के ऊपर, देन ब्रॉड ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी आर गोइंग फॉर ऑल टाइम हाई. तो जब तक 44,000 के नीचे वी कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज, राइट, जहाँ पर भी वीकनेस अपने को मिले फॉर अ पोजिशनल बेसिस. बट आप देख सकते हो मार्केट जो एक पैनिक आया उसके बाद एक पहला लेग रिवर्सल आया, फिर एक रिवर्सल, तो जो पुराना लो उसको नहीं काटा, फिर अगेन न्यू हाई बनाया, देन अगेन नीचे में आया, फिर अगेन न्यू हाई बनाया, राइट. तो द सेंस एज ऑफ नाउ इज़ अ बुलिश. सो वी नीड अ बिग सेलिंग बार एंड उसके बाद फॉलोअप सेलिंग, जहाँ पे हम एग्रेसिव हो सकते हैं सेलिंग में. टिल देन वी कैन नॉट बी एग्रेसिव सेलिंग. सो देर आर फ्यू डेज, यू नो, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व. तो जहाँ से ये पुराना जो सपोर्ट था, अगर आप देखेंगे क्या है वो रेजिस्टेंस में टर्न आउट होगा, तो वो आने वाला दिन ही बताएगा. तो हमें देखना है कि 44,900 के आसपास या 44,000 के रेंज में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, राइट. सो लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी. फिन निफ्टी अगर आप देखेंगे, उसका भी ब्रॉड और माइनर बोथ ट्रेंड्स आर डाउन. फिन निफ्टी में भी एक बड़ा सेलिंग है, उसके बाद एक पुल बैक दिख रहा है. तो लेट मी शो यू द, तो फिर निफ्टी जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा 20,200, मोटा मोटी आप पकड़ लो 20,000 से 22,000 के ऊपर निकलेगा 20,200, तो इसका भी ब्रॉड और माइनर ट्रेंड पॉजिटिव होने के चांसेस है, राइट. बट जब तक वो क्रॉस नहीं करता है, और ये लास्ट 2 दिन का जो अब जो आज का लो है उसके नीचे का मान लो मार्केट सस्टेन रहता है, तो मार्केट कैन गोज टूवर्ड 19,200 के आसपास जा सकता है, राइट. सो समवेयर वी आर नियर टू द सप्लाई जोन, जो हम बोल सकते हैं, राइट. सो पोलारिटी का रूल है कि यहाँ पर आएगा, फिर देन क्या मार्केट नीचे की तरफ शुरू होता है, तो टुमारो और मे बी नेक्स्ट 2-3 डेज में हमें आइडिया मिल जाएगा, राइट. सो लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स.
स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इट्स एट ऑल टाइम हाई, सो जो पैनिक था उसको भी निकाल दिया, मार्केट इज गोइंग. सो कीप फोकसिंग, जो मैं आपको बता रहा था कि ये एक सेलिंग है बट मार्केट में एक फर्दर सेलिंग नहीं है, राइट. सो जो भी पोजिशनिंग है, जो भी स्टॉक्स वर्क कर रहे हैं, जो भी स्टॉक्स में पैसा बन रहा है, उसको वी शुड कीप फॉलोइंग, राइट. सो यहाँ पे एक सेलिंग आया, देन वापस आया, फिर यहाँ पे एक सेलिंग आया, फिर मार्केट इज अगेन गोइंग टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई. सो द रियल स्ट्रेंथ इज इन स्मॉल कैप रेदर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं है तो फिर आप अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे, आपको तकलीफ हो रहा होगा. बट अगर आपका स्मॉल कैप एलोकेशन अच्छा है तो यू आर हैविंग अ गुड टाइम, राइट. दैट इज अ गुड बुल मार्केट इज गोइंग ऑन इन स्मॉल कैप. सो मेक श्योर दैट वेर इज द बुल मार्केट, द बुल मार्केट इज इन स्मॉल कैप. कीप राइडिंग दिस ट्रेंड टिल दिस ट्रेंड इज देयर. वी डोंट नो व्हेन दिस ट्रेंड इज गोइंग टू एंड, राइट. सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो.